सुनिए सुनिए, जनावे वाला क्या कहता है मुनादी वाला। ध्यान देना गौर से, तू बातें करना किसी और से, मुनादी सुनना गौर से। आज से मथुरापुरी के राजा कौन है? अग्रसेन नहीं, वो है महाराज कंस चांडाल खोपड़ी। और आज से कोई धर्म नहीं करेगा, जो करेगा धर्म हम उसका फोड़ देंगे कर्म, जो करेगा पाप हम उसके बन जाएंगे पाप। जो देखेगा कर्रा कर्रा उसकी आंख में ज्वार का फर्रा, जो देखेगा नरम नरम हलवा पूरी गरम गरम। और देखिए, कोई आज से अपने मस्तक पर तिलक नहीं लगाएगा, जो तिलक लगाएगा उसको हम अपनी जीभ से चाटेंगे। और कोई दूध पीने के लिए गाय नहीं रखेगा, वो क्या रखेंगे? दो दो काली बकरी, कान पकड़ा दो चांटे लगाए फटे से दूध निकाल लिया। अब चलिए बना देखो। कहिए, मुनादी हो गई, मुनादी हो गई, आपको राजा पाकर ने स्वीकार कर लिया, राजा मान लिया। ये सियानी बेटी क्वारी कन्या, सियानी बेटी क्वारी कन्या, ये सख्त पिता की गलती थी, इनकी लापरवाही देख देख कर मेरी छाती जलती थी। हमारी बहन देवकी विवाह की योग हो चुकी है, और क्या, हमारी बहन देवकी के लिए कोई अच्छा सा पढ़िया पर तलाश करके लाओ। पर सरदार, हाँ, पैसे तो मैं खूब खोजूंगा कि मुझे बर ही मिले, और बर नहीं मिला तो पीपल ले आओ। हाँ बस, अरे दूर बर और पीपल का क्या करेगी हमारी बहन? आप ही तो कह रहे थे बर ले आना। लड़की के लिए लड़का लाना है, दूल्हा गैस का या मिट्टी का? क्या, चूल्हा। चूल्हे की कौन बोल रहा है तुमसे? आप ही तो बोल रहे हैं। लड़की के लिए लड़का लाना है, लकड़ी के लिए लकड़ा, राजकुमारी के लिए राजकुमार लाना है ढूंढ करके। ओ, ये कहिए कन्या के लिए राजकुमार लेके आना है। हाँ, कभी लकड़ा कभी लकड़ी, पता ही नहीं। अच्छा, कैसा होना चाहिए? देखने में रूपवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, धनवान होना चाहिए, राजनीति में चतुर होना चाहिए, उम्र उसकी 16 पर सोनी चाहिए। सरकार, एक राजा के अंदर इतने गुण को मिलना असंभव है। क्यों? अरे, रूपवान भी चाहिए, गुणवान भी चाहिए, हाँ, और धनवान भी चाहिए। जी, चलिए धनवान नहीं होगा तो आप उसको धन दे देंगे, हाँ, तो उसको धनवान कर देंगे। बिल्कुल। उम्र भी उसकी 16 साल होनी चाहिए। 16 साल। देखिए, पैसे में, हाँ, खूब देखूंगा कि मुझे 16 साल का ही मिले। जी, वाइफ में 16 साल का ना मिला, हाँ, तो 8-8 साल के दो ले आऊ। दीवान के बच्चे, उन दो दो लड़कों को क्या हमारी बहन देव की गोदी में खिलाएगी? नहीं नहीं नहीं, उनको गैस वेल्डिंग करा के एक ही बना दिया जाएगा। एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। हाँ, अब ये तो मुझे टाइम लगेगा, खोज के लाता हूँ, कहीं मिल जाता है तो। हेलो, अरे भाई, इस राजा पाकर के अंदर कोई अच्छा सा रूपवान गुणवान धनवान राजकुमार है? है तो आजा मेरे बाप के बेटे, आजा ये तो आजा, तेरा शादी करा दूंगा, आजा। इनमें हिम्मत ही नहीं है इतना। है कोई? देखिए, सामने में बैठा है राजकुमार, हम खोजने में लगे हैं। आइए 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 आइए, बाप मेरे प्यारे, आइए। शादी के लिए मेरे बाप के बेटे कौन मना करता है? कैसे भी आ जाओ, राजकुमार में फुर्ती है। आइए।
आइए अगर आइए अच्छा ये बताइए तुम्हारा क्या नाम है? किशन कुमार। अरे जोर से बोली हम के किशन कुमार। किशन कुमार और आप कुमार में कुमार 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 अच्छा और पापा जी का क्या नाम है? कालेश्वर कुमार। जलेश्वर कुमार नहीं कालेश्वर कुमार। कालेश्वर कुमार अच्छा और मम्मी जी का? अच्छा छोड़िए नहीं उन सबको पता चल जाएगा कोई फायदा नहीं हो। पापा का तो चल जाए कोई बात नहीं लेकिन मम्मी का नहीं चलना चाहिए। अच्छा ये बताइए आप कहाँ के राजकुमार हैं? राजा पाकर के। राजा पाकर के ये पाकर नहीं लगाना है राजाओं में गढ़ चलता है गढ़ तो हम आप कहाँ के राजकुमार हैं? राजगढ़ राजा पाकर गढ़ के राजकुमार हैं। कहाँ के? राजा पाकर गढ़। राजा पाकर गढ़। अच्छा ये बताइए पढ़ाई कितना किए हैं? मैट्रिक फेल है। मैट्रिक फेल है। सारा मामला गड़बड़ हो गया। अच्छा ये बताइए उम्र कितना है आपका? आठ है आपका उम्र? जी मेरे बाप के बेटे भी तेरे तो भूखे दांत भी नहीं उखले। अरे ये बताइए कितना उम्र है? सही सोलह। मेरे बाप के बेटे अभी आठ बता रहा था अब आठ दूरी सोलह कर दिया है? इसका मतलब कि शादी तो हो जाएगा मेरा है इसीलिए ऐसे और करते हैं। चलिए ठीक है कोई बात नहीं है ये सब कुछ नहीं चलेगा। महाराज पूछेंगे कि राजकुमार कहाँ के राजकुमार हो तो क्या बताएंगे? राजा पाकर कर हम हैं राजा पाकर गढ़ के। राजा पाकर गढ़ के महाराज पूछेंगे। अच्छा सीधे खड़े होइए ऐसे क्या बारात में जा रहे हैं? सीधे खड़े होइए सीधे बच्चे। अच्छा ये बताइए महाराज पूछेंगे कि राजकुमार तुम्हारा क्या नाम है तो क्या बताएंगे? बताइए अपना नाम ही नहीं जानते हम क्या बताएंगे ने? अच्छा ठीक है हम बताते हैं वो बता देना ठीक है। अपना नाम मत बताना हम बताएं वो तो बता देंगे ठीक है। महाराज को बताना कि महाराज हमारा नाम है उदम सिंह छू छू साइड नहीं कर सकते। नाम बताना है महाराज को साइड नहीं होगा साइड थोड़ी करना है उसी में लेना है। क्या करना है? हाँ कैसे क्या बताना है? उदम सिंह छू। महाराज पूछेंगे राजकुमार तुम्हारे पापा जी का क्या नाम है तो क्या बताएंगे? आप ही ना बताएंगे। अरे बिचौलिया तो आप ही बताओगे सबका नाम हम ही बताएंगे। महाराज जी तुम करा रहे हो तो कौन बताएगा? बिचौलिया आपके पापा जी का नाम हमको मालूम है आपकी मम्मी का भी हमको मालूम है सबका हमको मालूम। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं महाराज पूछेंगे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है तो क्या बताएंगे? हमारे पिताजी का नाम है टीकम सिंह छू। टीकम सिंह छू। और महाराज पूछेंगे तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है तो महाराज को बताना हमारी मम्मी का नाम है राम भकेली बाई छू। अरे ये नाम कैसा है? ये नाम कैसा है? नाम तो नाम ही है कैसे पढ़ा ये नाम? ये नाम ये तो महाराज बताएंगे कैसे पढ़ा हम नहीं बताएंगे। अच्छा अच्छा याद है ना जो बता रहे हैं वो सब याद है ना? भूल गए अभी तुम्हारा शादी कर दे और मेले में घरवाली को ले जाएं घुमाने के लिए और मेला में कहीं घरवाली कुछ सामान लेने के लिए चली जाए तो तुम ये कहेंगे घरवाली को भूल गए। घरवाली को नहीं भूलोगे तो हो मेरे बाप के बेटे कितने चालाक हैं। घरवाली को नहीं भूलेंगे नाम भूल गए। महाराज को बताना
महाराज पूछेंगे कितना पढ़ाई किए हैं तो क्या बताएंगे कि क्या कहा अरे जोर से बोलिए यार मैं थोड़ा कम सुनता हूँ जब तो जोर से बोल रहा हूँ कितने में फेल हो गए पंचमा में पांचवा ये नहीं बताना है उनके पट्टे महाराज को बताना है कि हम इतना पढ़ाई किए हैं जो एफए में से लेकर के एफए में घुसने की तैयारी कर रहे हैं क्या कहेंगे तेरे बाप का बेटा बिल्कुल उल्लू का पट्टा है क्या आइए तेरा शादी करा देते हैं घरवाली को लेके मेरा घुमा लेना